पुलिस वाले खड़े हैं, ये चालान करते हैं, पैसा लेते हैं, दिखाते हैं अभी, रुको एक सेकंड। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम हैं फिलहाल नागपुर से, पहले अभी हमारा गाड़ी भर के चलाता रायपुर से पूना के लिए, और अभी खाना वाना खा के चले हम, और आगे यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चल के गाड़ी में कराएंगे काम। गाड़ी का पट्टा टूट चुका है, आगे काम कराएंगे और दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे आपको नागपुर में और आगे एक भंडारा आएगा, वो दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। और आगे यहाँ पे बॉर्डर आने वाला है, ये मैं आपको बॉर्डर दिखाऊंगा, बॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ से कुछ आगे चल के बॉर्डर आएगा, 2-3 किलोमीटर आगे चल के फिर वहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ में हैं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है आराम करने के लिए, ये देख सकते हो आप। तो ये दोस्तों बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, ये यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो बॉर्डर है। यहाँ पे RTO चेक पोस्ट लिखा हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको आगे से। ये बॉर्डर है, सामने बॉर्डर आ चुका है, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। ये देखो ये बॉर्डर है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं। पुलिस वाले खड़े हैं, ये चालान करते हैं, पैसा लेते हैं, दिखाते हैं अभी, रुको एक सेकंड। रख लिया है इन्होंने, बोल रहे हैं उस चालान पर ठप्पा लगेगा। पिछली बार जब हम इधर से गए थे तो चालान करवाया था 1000 रुपये का, अब उस पर बोल रहे हैं ठप्पा लगवाने को, उस पर मोहर लगाएंगे। और गाड़ी यहाँ साइड में दबा लेता हूँ मैं, ये लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और आगे दिखाएंगे अभी आपको, महाराष्ट्र बॉर्डर आएगा, आगे महाराष्ट्र बॉर्डर को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहना एंड तक। ये यहाँ पे दोस्तों गाड़ी गिरी हुई है, ये देखो सामने, ये यहाँ पे गाड़ी गिर चुकी है। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन किसी का जान यहाँ, माल का ही नुकसान हुआ है, जान का नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारा भारी जंगल है और इस जंगल में शेर रहते हैं, काफी जगह बोर्ड लगाए हुए हैं शेरों के कि इस जंगल में शेर रहते हैं, गाड़ी आराम से चलाएं। बहुत ही खतरनाक जंगल है चारों तरफ, और दिन में बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है, एक भी गाड़ी नहीं चल रही रोड पे। हम चल रहे हैं बस, वो इसलिए कि हमको गाड़ी में कराना है काम। ये यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है, ये भेड़िया का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे भेड़िया भी रहते हैं इसमें, काफी सारे जानवरों के बोर्ड लगाए हुए हैं इसमें, और देखा अभी तक हमने एक भी नहीं है, लेकिन बोर्ड लगाए हुए हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत टटकेरा, ये आगे कोई गांव है। तो ये आप देख सकते हो जंगल, कितना तगड़ा जंगल है ये। तो ठीक है दोस्तों, और आगे अच्छी अच्छी चीजें आएंगी तो मैं आपको दिखाता रहूंगा, आप वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, गाड़ी में काम करा के लाए थे पीछे, एक पत्ती लगवाई थी गाड़ी में, पट्टा मिला नहीं था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे खड़ी है गाड़ी, आराम कर रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये यहाँ पे राजस्थानी ढाबा है, यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत देर सड़क हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों बने रहो और आगे आपको दिखाएंगे फिर। तो
अब हो चुकी है सिलक, बिल्कुल ठंडा मौसम हो चुका है और अब हम चल चुके हैं। और ये सामने क्या है, और ये यहाँ पे गाड़ी और एक्सीडेंट हो गई है, इसका माल गिर चुका है सारा। ये देखो सारा माल गिर गया है इसका, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या गिरा है इसका माल। इसका माल तिरपाल फट चुका है। और ये एक और जंगल है यहाँ पे, देखो ये जंगल है बहुत बड़ा। अब कुछ मौसम ठंडा हुआ है, सुबह से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, बिल्कुल गर्म मौसम था, पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। अब कुछ ठंडा हुआ है मौसम तो अब चले हैं। और ये आप अब रोड का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ से भंडारा पड़ता है इस पर, भंडारा यहाँ से 70 किलोमीटर है और नागपुर यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो अभी आपको आगे दिखाएंगे नागपुर पहुँच के, भंडारा भी अच्छा सिटी है उसको भी दिखाएंगे। और ये सामने पहाड़ आ रहा है, ये पहाड़ है बहुत बड़ा यहाँ पे। इस तरफ महाराष्ट्र में पहाड़ बहुत हैं, घाट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा घाट है। सबसे ज़्यादा मैंने जितनी अपना भारत में घूमा हूँ, सबसे ज़्यादा घाट महाराष्ट्र में ही हैं, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े घाट यहाँ पे हैं। और इस पे घाट तो आएगा नहीं, लेकिन एक रोड है नागपुर से और बम्बई के लिए नया बना है, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, नया एक्सप्रेस वे, वो बाला साहब ठाकरे के नाम से है। उस रोड को दिखाएंगे आपको अगर वहाँ पे टाइम से पहुँच गए तो। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे आपको। यहाँ पे दोस्तों ये रोड का काम चल रहा है, जंगल में ऊपर ही ऊपर के ब्रिज बन रहा है यहाँ से, मतलब पूरा जंगल फिर नीचे रह जाएगा और ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी, कि जंगल में ज़्यादा जानवर है यहाँ पे, इसलिए ऊपर ऊपर के ब्रिज बना रहे हैं ताकि जानवरों को कोई परेशानी ना हो, अगर वो रोड पे आए तो खुला घूम सकें, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर यहाँ से वो रास्ते में आ जाता है रात को, कोई मार जाता है उनको, इसलिए अब ऊपर ऊपर से ब्रिज बना रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ये काफ़ी लंबा ब्रिज है, ये देख सकते हो आप। ये भाई साहब इसी में मजा कर रहे हैं, गाड़ी ऊपर कुछ है नहीं और चल रहे हैं, इसी में मजा कर रहे हैं ये भाई साहब। ये देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं, टकली टेंट है इसकी और हवा ले रहा है ठंडी ठंडी। तो दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है, नदी, ये उधर छोटी गाड़ियों के लिए है, बाइक वाइकों के लिए, और ये इधर बड़ी गाड़ियों के लिए है। और ये बहुत बड़ी नदी है, अभी इस पर फोर लाइन रोड का काम चल रहा है, बड़ी नदी बने, बड़ा रोड बनेगा इसके ऊपर से। और ये आप देख सकते हो उधर पूरा जंगल है और वहाँ पे उनके बीच में से नदी निकल रही है। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम पहुंच चुके हैं भंडारा। भंडारा सिटी थोड़ा साइड में पड़ जाता है और ये यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। ये आप शाम देखो कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों नागपुर हम पहुंच नहीं पाएंगे, रात में किसी टाइम पहुंचेंगे नागपुर। नागपुर अभी यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे है, तो आपको नागपुर किसी अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।